नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहां भी हैं, हमेशा खुश रहें, सुखी रहें और संपन्न रहें। दोस्तों, 7 मई बुधवार के दिन, 8 मई बुधवार के दिन मनाई जा रही है दर्श अमावस्या। अमावस्या मतलब ऐसी तिथि जब हर व्यक्ति को बहुत ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता होती है तमाम प्रकार के तंत्र मंत्रों से। आज कोशिश करें उन लोगों से ना मिले जो आपके विरोधी हैं और तांत्रिक क्रियाएं कर रही हैं जो आपके विरोधी हैं, क्योंकि हर तांत्रिक आपके विरोध में क्रियाएं करेगा ऐसा नहीं है। कई बार हमारे घर के, समाज के, मित्र मंडल, ऐसे ही लोग, इसमें कितने ही ऐसे होते हैं जो तांत्रिकों से जुड़े हुए होते हैं और अमावस्या जैसी तिथि को ये ऐसी चीजें खिला पिला देते हैं। मेरे पास इसे हजारों केसेस आती हैं कि अमावस्या जैसी तिथि पर ऐसी चीजें खिला दी जाती हैं कि व्यक्ति पूरा का पूरा गायब हो जाता है। कोशिश करें जो तंत्र मंत्र से जुड़े हैं और आपके विरोधी हैं, ऐसे लोगों से अमावस्या के दिन तो कभी ना मिले। अमावस्या के दिन चौराहा क्रॉस ना करें। अगर जो महिलाएं पीरियड्स में है, कोशिश करें चौराहा क्रॉस ना करें, शमशान के पास से ना पूछें। अमावस्या वाले दिन कहीं भी एकांत स्थान में, निर्जन स्थान में बैठ करके भोजन ना करें। छोटे बच्चे को दूध ना पिलाएं। जहां पर भी तालाब हो, पानी भरा हुआ हो, वहां खड़े होकर के चल जैसे शब्द का यूज ना करें, ना ही चौराहे पर चल जैसे शब्द का यूज करें। जहाँ पानी भरा हुआ हो वहाँ कोशिश करें। कई बार ऐसा होता है हमारे साथ, जब छोटे बच्चे निकलते हैं तो जहाँ तालाब होता है वहाँ पर वो पत्थर फेंकते हैं। खबीज नाम का जो एक पिशाच है जो महिलाओं को बहुत ज्यादा परेशान करता है, ये इसका वास ही भरे हुए पानी में है या जहाँ टॉयलेट्स हो, गंदगी हो, ऐसी ही जगह रहते हैं। जब आप पत्थर फेंकते हैं, ये डिस्टर्ब होते हैं, वहां से पीछे पीछे चल देते हैं। जहाँ तालाब हो, भरा हुआ पानी हो, वहां पर भी वो महिलाएं जो पीरियड्स में हो उन्हें नहीं बैठना चाहिए, वहां नहीं जाना चाहिए। ये इस टाइप का राक्षस होता है दोस्तों, जो स्पेशली महिलाओं को ही परेशान करता है। जैसे जब भी आपको परेशान करेगा तो महिलाओं का जो शरीर है भारी भारी रहने लग जाएगा, चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा आ जाता है, पीरियड्स या तो होने बंद हो जाएंगे, कभी बहुत जल्दी होंगे, कभी बहुत देर से होंगे, होंगे तो बहुत ज्यादा, इतना ब्लडिंग होगा कि मतलब उठना बैठना भारी हो जाएगा, अंदर से बस रोना आता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। जब ये खबीश नाम का राक्षस व्यक्ति को परेशान करता है, बहुत बुरी तरीके से करता है, तो जैसे आज दर्श अमावस्या है तो कोशिश करें जहां पर भी भरा हुआ पानी हो, जहां गंदगी हो, टॉयलेट्स हो, ऐसी जगह को अवॉइड करें, ऐसी जगह पर ना जाए, स्पेशली छोटे बच्चों को लेकर के ना जाए। दोपहर के समय या रात के समय अपने कपड़े बाहर ना रखें। आपके कपड़ों के थ्रू ही नेगेटिविटी आपके घर में एंटर हो जाती है और उसके बाद जब आप उन कपड़ों को पहनते हैं तो आपकी बॉडी में एंटर होती है। रात को और दोपहर के समय नेगेटिविटी अपनी पूरी ताकत से विचरण करती है, तो ये आपकी बॉडी में बहुत जल्दी एंटर होती है कपड़े के थ्रू। और अभी जैसे अभी गर्मी के दिन है तो लोग पापड़ वगैरह, अचार वगैरह धूप में बाहर डाल देते हैं सूखने के लिए, तो आप बहुत ध्यान रखें। कोई भी चीज जैसे अचार है, पापड़ है या खाने की कोई भी चीज है, आप सुखा रहे हैं उसको, तो निर्जन स्थान में रख करके ना सुखाएं। ये तमाम चीजें इन्हीं चीजों के अंदर एंटर होकर के आपके घर में एंटर हो जाती है। अगर सुखाना ही पड़ता है, इसके सिवाय कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, तो जब आप ऐसी चीजें सुखाते हैं तो उसमें चक्कू या कोयला जरूर रखें। अमावस्या के दिन घर में भी जैसे आपने भोजन बना करके रखा है और आप कहीं बाहर घूमने के लिए चले गए हैं कि चलो एक आधे घंटे कहीं जा कर के आएंगे फिर भोजन करेंगे, तो ऐसा ना करें। अगर अमावस्या का दिन है तो अगर आपने भोजन बना भी लिया है तो उसके ऊपर भी आप चक्कू या कोयला रखें। जब आप भोजन बना करके रख देते हैं तो कई बार ऐसा होता है नेगेटिविटी आपके घर में आती है तो उस भोजन के अंदर भी वो प्रवेश कर जाती है। रखा हुआ खाना खाए नहीं, और अगर उसके सिवाय कोई ऑप्शन नहीं है तो जो भोजन आपने बना करके रखा है उसके ऊपर आप कोयला या चक्कू अवश्य ही रखें। आज कोशिश करें कलेश ना करें।
आज के दिन घर में हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। हनुमान जी के आगे धूप दीप रखना चाहिए और कम से कम 100 बार जो भी व्यक्ति अगर 100 बार अमावस्या के दिन हनुमान जी का पाठ करता है उसके ऊपर ऐसे भी कोई तंत्र मंत्र लागू नहीं होता, सिवाय कि भी बहुत बड़ी कोई तांत्रिक क्रिया कर दी हो तो ऐसी चीजें कुछ उसका माइनर इफेक्ट छोड़ती है, अदरवाइज छोटे मोटे तंत्र मंत्र या भूत पिशाच आपके ऊपर इफेक्ट नहीं करते हैं। कोई व्यक्ति लंबे समय से आपके घर में बीमार है तो आज के दिन 100 हनुमान चालीसा पढ़ करके पानी को अभिमंत्रित करें और उस पानी को अगर आप उस व्यक्ति को पिला देते हैं जो व्यक्ति लंबे समय से बीमार है तो आप देखेंगे उसको उसकी काया निरोगी होने लग जाएगी। अगर घर में तंत्र मंत्र हो रहा है, कोई व्यक्ति बीमार है तो आज उसके ऊपर से पानी को 7 बार उबारे और उसको जूठा करके चौराहे पर फेंक दें। ये काम आप शाम को 7 बजे के बाद, ये छोटे छोटे से काम अगर आप अमावस्या के दिन करते हैं, ध्यान पूर्वक करते हैं तो काफी बुरी चीजों से निजात मिल जाता है, काफी बुरी चीजों के शिकार होने से आप बच जाते हैं। जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जितना ज्यादा हो सके दोस्तों शेयर करें। जय श्री कृष्ण।